दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वजन घटाने के लिए हम आयुर्वेदा द्वारा क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका वजन बढ़ गया है और लाख प्रयासों के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप आसानी से आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से आप आसानी से तेजी से वजन घटा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ वजन घटाने के लिए टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपके वजन घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बात है वो ध्यान रखने योग्य वो है कि आप बाहर खाना मत खाएं। बाहर का खाना खाने से फैट बढ़ता है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें। यानी कि जो आप बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा, पाव भाजी वगैरह जो भी होता है हम खाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा फैट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वज़न बढ़ता है। तो अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि बाहर का खाना आप छोड़ दें। उसके बाद जो सेकंड बात है वो है दोस्तों, आप क्या करें कि रात का खाना मत खाएं, और अगर आप खाते हैं तो कम खाएं। सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले आप रात का खाना खाएं। यानी कि ये नहीं कि आप खाना खा लें और उसके बाद तुरंत बाद आप सो जाएं, ऐसा मत करें। 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। रात के खाने में आप खाने की जगह पे खा सकते हैं मूंग के दाल का। अगर आप पानी पीते हैं, खाना न खाकर रात को आप मूंग के दाल का पानी पीते हैं, तो वो वेट लॉस के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करें, 2 से 3 घंटे पहले तो आपने खाना खा लिया सोने से, उसके बाद आप वॉक कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर हल्का फुल्का योगा वगैरह करते हैं, तो उससे भी वेट आसानी से कम होता है। तो आप क्या करें, फर्स्ट जो है वो है बाहर का खाना छोड़ दें, उसके बाद है रात का खाना कम खाएं, 2-3 घंटे पहले खाएं, अगर खाते हैं तो कम मात्रा में पहले खाएं, और खाने की जगह आप सबसे बढ़िया जो है वो है मूंग के दाल का पानी पिए रात को, और एक्सरसाइज या योगा करें। अगर आप ये चीज़ें अपनाते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार रोज़ाना इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो महीने में आप 2 से 3 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेट लॉस के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ भी करते हैं वेट लॉस के लिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि उसके लिए परहेज़ कर लें कि किस चीज़ों की वजह से वेट बढ़ता है, किन चीज़ों की वजह से वेट बढ़ जाता है, तो उनको रोक लें। और उसके बाद अगर आप वेट लॉस के लिए काम करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये 4 टिप्स याद रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।